Hey there guys, welcome to Bike Info. So kaise ho bike lovers? So today I'm going to introduce my first ride experience about the all new 2019 R15 version 3. तो इसको सिटी में चलाने का कैसा मज़ा आया, कैसा कैसा फीचर्स दिया गया, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने पहले ही R15 वर्जन 3 का जो वॉकअराउंड एंड जो फीचर्स है उसका एक अलग वीडियो बनाया है, तो आप लोग उसको पहले से ही चेक कर लीजिए एंड वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो भाई लोग, मैंने पहले ही इसका वॉक अराउंड का वीडियो पहले ही बना लिया है, तो अगर आप लोगों में से कोई अगर इसको वॉक अराउंड का वीडियो नहीं देखा हो तो मेरे वीडियो में, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और मेरे वीडियो मैनेजर से आप इसका प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो इसका अगर एक्सपीरियंस के बाद बताऊँ तो पहले बात आता है इसका रोड प्रेजेंस, जो काफ़ी अच्छा एक रोड प्रेजेंस देता है ये बाइक। एंड इसका जो हेडलाइट है वो काफ़ी स्पोर्टी नेचर है, जो हमें काफ़ी अच्छा एक विजिबिलिटी देता है। एंड इसका सस्पेंशन बहुत शानदार है, जो चलाने में बहुत ही मस्त लग रहा है। इसका सीट हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है 815 mm, जो कि मुझ जैसे 5'4" या कुछ करीब के बाइकर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। और अगर आपकी हाइट कम से कम 5'6" या 5'7" है, देन कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो इसका जो 19.3 BHP है वो इसको काफ़ी अच्छा देता है पावर, बट इसका लो एंड थोड़ा सा कमज़ोर है, जिसके लिए वो ड्यूक की तरह नहीं है, लेकिन इसका टॉप एंड काफ़ी शानदार है। एक 150 cc की बाइक में टॉप एंड उसके हिसाब से बहुत शानदार है, आपको करीब 140-142 के करीब आपको टॉप स्पीड इसमें मिल जाएगा। एंड कमिंग टू द क्लच एंड गियर शिफ्टिंग, इट हैज 6-speed गियर बॉक्स विद द स्लीपर क्लच फंक्शन। ये पहला बाइक है 150 cc में जिसमें स्लीपर क्लच इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड कमिंग टू द ब्रेक्स, वी हैव इन फ्रंट 282 mm फ्रंट डिस्क, इन द बैक 220 mm बैक डिस्क, बट अभी भी हमें इसमें कोई ABS का फंक्शन नहीं मिलता है। होपफुली 2019 में नेक्स्ट वर्जन जो आएगा उसमें हमें ABS का फंक्शन मिल जाएगा। एंड टायर की अगर बात करें तो स्पीच सामने मिलता है हमको 110 100 mm बाई 80 का 17-inch का ट्यूबलेस टायर, एंड रियर में मिलता है 140 बाई 17 inch का ट्यूबलेस टायर। तो टायर में बहुत ही अच्छा रोड ग्रिप है, जो चलाने में और उसका ब्रेकिंग एफिशिएंसी के साथ एकदम ठीक ठाक मैच खाता है। एंड अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इट इज़ प्योरली एक्यूरेट, नथिंग एरर इज देयर। एंड इसमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, आप लोग चेक कर सकते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंट की चेक, मैंने पिछली वीडियो में इसको पूरी डिटेल्स में बता दिया हूँ। तो बाकी जो बोलना था ये तो हो गया इसका प्रेजेंट, रोड प्रेजेंट जो दिक्कत होती है। इसका सिटी में कम से कम आप लोगों को 40 से 41 के बीच में माइलेज मिल जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड हाईवे में कम से कम आपको 50 के एवरेज माइलेज मिल जाएगा, जो कि एक 150 cc स्पोर्ट्स बाइक के लिए बहुत ही अच्छा नेचर है। तो यही तो बात है बाइक में जो आपको पसंद आएगा, एंड मुझे भी काफ़ी पसंद आया। इसका साउंड बहुत ही रिफाइंड है, एनोइंग वाला साउंड नहीं है, काफ़ी शानदार, काफ़ी स्मूथ साउंड है, जो कि अच्छा लगता है, कोई एनोइंग साउंड नहीं है इसमें। एंड इसमें सबसे बड़ी बात है इसका प्राइस टैग, जो मैंने पहले भी मेंशन किया है, 1,27,000 एक शोरूम प्राइस में हमें मिल जाएगा। एंड MotoGP वाला वर्शन हमें 1,30,000 में मिल जाएगा एक शोरूम। सो दैट्स इट प्रीटी मच फॉर टुडे, आई होप दिस वीडियो इज प्रीटी मच यूजफुल फॉर यू, होपफुली यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।